अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम तलहा जजवी है और आज मैं अनबॉक्सिंग करूंगा बेस्ट बजट माइक्रोफोन की, जो कि बहुत ही ज़बरदस्त माइक्रोफोन है और इजीली मोबाइल से और कैमरा से अटैच हो जाता है, जो कि बोया का BY-M1 माइक्रोफोन है और ये बहुत ही सस्ता माइक्रोफोन है, इजीली आपको मार्केट से मिल जाएगा और आप जितने भी ऑनलाइन स्टोर्स हैं वहाँ पर भी ऑर्डर कर सकते हैं। तो मैं इसके तमाम फीचर्स आपको बताऊँगा, इसकी साउंड क्वालिटी का बताऊँगा कि ये कैसा माइक है और ये यूट्यूबर्स के लिए बहुत ज़बरदस्त माइक्रोफोन है। चलें चलते हैं, इसका अनबॉक्सिंग करते हैं। जी दोस्तों, अब आप देख रहे हैं, हम अनबॉक्सिंग करने वाले हैं बोया BY-M1 की। इसके अंदर देखते हैं कि हमें क्या क्या मिला है इस बॉक्स के अंदर। तो हम इसके अंदर देख रहे हैं एक बड़ा खूबसूरत सा ब्लैक कलर का पाउच है, जिसके अंदर मेरे ख्याल से ये सब कुछ इसकी जो है चीज़ें मौजूद हैं। इसके बॉक्स को हम फिलहाल कर देते हैं साइड पर और उसके बाद हम इसके अंदर देखते हैं हमें क्या क्या दिया है बोया वालों ने। बोया वालों ने हमें एक पूरा माइक्रोफोन, आप ये देख रहे हैं इसकी वायर काफ़ी लंबी है। सबसे अच्छी चीज़ इस माइक्रोफोन की यही है कि इसकी वायर बहुत लंबी है, मेरे ख्याल से 3 से 4 मीटर की, जो इजीली आप जो है सामने अगर आपको दूर रख के भी शूट करना है कुछ तो आप वो कर सकते हैं। अब इस पाउच के अंदर हमारे पास क्या क्या है वो देखते हैं। इस पाउच के अंदर हमारे पास एक क्लिप है जिससे आप इसको माइक्रोफोन को अटैच कर सकते हैं और कॉलर पर लगा सकते हैं। एक हमारे पास बैटरी है, आप देख रहे हैं, और एक अदद हमारे पास जैक है इसका, सॉरी। और इसके अंदर एक और चीज़ मौजूद है वो हम देखते हैं, वो है इसका स्पंज, जो इसको लगाने से ये जितनी भी नॉइज़ वगैरह होती है वो जो कंट्रोल करता है। तो अब इसको हम इसके फोम को इसके साथ अटैच कर देते हैं, आप देख रहे हैं। अब हम इसके फीचर्स की तरफ चलते हैं कि इसके फ़ीचर क्या क्या हैं। अब ये आप देख रहे होंगे इसके बॉक्स के ऊपर मेंशन किया हुआ है कि ये मोबाइल के साथ, टैबलेट के साथ, लैपटॉप के साथ और कैमरा और हैंडीकैम के साथ अटैच हो सकता है। जी दोस्तों, अब हम ये इसका जितना भी हमें जो है ये बैटरी है, हम ये बैटरी इसमें इसके अडॉप्टर में लगाते हैं। ये इसका एक बैटरी कंपार्टमेंट है जिसके अंदर हम ये बैटरी लगाएंगे। अच्छा, ये जो चीज़ दी हुई है अक्सर लोगों को नहीं पता ये किस लिए दी हुई है, क्योंकि जब हम इसमें बैटरी अगर आप इसके बग़ैर लगाएंगे तो बैटरी चेंज करना बहुत मुश्किल हो जाता है। तो आप बैटरी को इसके साथ लगाएंगे ऐसे, अब ये इसका प्लस पॉइंट है, प्लस पॉइंट को आप जो दिया हुआ है इसके साथ आपने लगा दिया। तो जब अगर आपको बैटरी निकालनी होगी तो आप ईज़िली इसको पकड़ के ऐसे बैटरी को बाहर निकाल सकते हैं। जी, ये बैटरी हमने इसकी लगा दी है, ठीक है। बैटरी लगाने के बाद हमने इसका जो है ये स्पंज फॉर्म जो नॉइज़ को कंट्रोल करता है वो भी लगा दिया है। अब इसका एक क्लिप है जो कि कॉलर के साथ आप लगाना चाहें इस माइक को, तो उसके लिए यूज़ होता है, इस क्लिप को हम लगा देते हैं। अब इसके जो है साउंड टेस्टिंग का टाइम आ गया, अब इसकी साउंड क्वालिटी चेक करते हैं कि साउंड क्वालिटी कैसी है। जी दोस्तों, हमने अनबॉक्सिंग की, आपको बताया कि बोया के माइक के बॉक्स में क्या क्या था। अब आप देख रहे हैं इसके साउंड टेस्टिंग का टाइम आ गया, तो साउंड टेस्टिंग आप देख रहे होंगे कि ये जो मैं वीडियो बना रहा हूँ ये बोया के उसी माइक से बना रहा हूँ। अगर आप इसको करीब करेंगे तो आपको बहुत ज़्यादा लाउडली आवाज़ आएगी, तो बेस्ट यही है कि थोड़ा सा दूर इसको ना यहाँ पर रख कर आप कोई भी वीडियो बनाना चाहें, चाहे मोबाइल से हो चाहे कैमरा से, तो इसकी साउंड क्वालिटी बहुत ज़बरदस्त आती है। उम्मीद है मेरी ये वीडियो आपको बहुत ज़बरदस्त पसंद आई होगी, और अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई है तो इसको लाइक करें, शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। अगर आप चाहते हैं कि आपको भी ये माइक चाहिए तो आप मुझे ऑर्डर भी कर सकते हैं, हमारा फेसबुक का पेज है supersamaan.com के नाम से, आप कमेंट सेक्शन में भी अपना ऑर्डर प्लेस कर सकते हैं। अल्लाह हाफिज़।